विचार करते हैं कि हम सब बुद्धिमान हैं और हमारी जो बुद्धि है प्राय मस्तिष्क तथा चौथे माले में होती है, हम हमेशा यही मानते हैं, है ना? मानते हैं कि हमारी जो बुद्धि है वो मस्तिष्क में होती है, लेकिन बुद्धि मस्तिष्क में नहीं, बुद्धि चेतना में होती है। आत्मा के साथ रहती है चेतना, चेतना आत्मा का स्वरूप है चेतना। अर्थात ये जो बुद्धि है, बुद्धि नामक तत्व, ये मस्तिष्क में नहीं, ये चेतना में पाया जाता है, चेतना में होता है। जैसे मान लीजिए अगर मस्तिष्क में बुद्धि होती है तो गणेश जी का मस्तक तो हाथी का है, तो हाथी की तरह बुद्धि होनी चाहिए, लेकिन नहीं, बुद्धि के विधान गणेश जी को माना जाता है, दाता है। तो बताइए अगर बुद्धि मस्तिष्क में होती है तो गणेश जी का जो बुद्धि है प्राय पशु की तरह होना चाहिए, लेकिन नहीं। उसी प्रकार भागवतम के चौथे स्कंद में आता है महाराज दक्ष के विषय में। राजा दक्ष शिव जी का अपराध किया, शिव जी का अपराध करने के फल स्वरूप उनको किसका मस्तक लगा? बकरे का। लेकिन बकरे का मस्तक होते हुए भी दक्ष महाराज के पास क्या है? बकरे का मस्तक है। लेकिन बकरे का मस्तक होते हुए भी बुद्धि बकरे की तरह नहीं थी, घास फूस खाने वाला बुद्धि नहीं था, मनुष्य की तरह बुद्धि था। अर्थात ये जो बुद्धि नामक तत्व है ये मस्तिष्क में नहीं, चेतना में पाया जाता है। तो मस्तिष्क का नहीं, चेतना का बहुत वैल्यू है, बुद्धि चेतना का एक तत्व है, बुद्धि चेतना में पाया जाता है। तो हमें बुद्धि को मस्तिष्क में नहीं, चेतना के माध्यम से देखना चाहिए, क्योंकि चेतना में बुद्धि रहता है। भागवत इसका